हलोर यू वन एंड वेलकम टू विंगज ए कुड़ान हाउ यू ऑल डूइंग आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माई नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माई लेक्चर सीरीज सो गाइज आपका एग्जाम जो है एफ डबल ए का इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन ट्वेंटी एथ राइट तो थोड़े ही दिन रह गए तो आज से लेकर टिल आपका जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर दिन विल बी टारगेटिंग थर्टी क्वेश्चन तीस क्वेश्चन करेंगे हम हर दिन का और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा फाइन सो लेट्स गेट स्टार्टेड और आज का जो लेक्चर सीरीज है इट इज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइन सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस पर्सनैलिटी मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर इज इट महाराजा हरी सिंह बख्शी गुलाम मोहम्मद जी एम सदीक और इज इट मेहर चंद महाजन सो वॉट इज द आंसर द आंसर इज राज महाराजा हरी सिंह राइट यहाँ पे राजा लिखे बट इट इज़ बेसिकली महाराजा हरी सिंह ठीक है और हमको ये भी पता है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में जो है वो एजुकेशन रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स भी हुआ था राइट right? सो so, अगर हम महाराजा हरि सिंह की बात करें so जम्मू कश्मीर, right? और ये 1925 में से लेके 1947 तक ये रहे थे और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था ऑन ट्वेंटी उस टाइम पे ही महाराजा फाइन और अगर हम जीएम एम सदीक की बात करें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा ठीक है प्राइम मिनिस्टर नहीं वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो आपके महल चंद महाजन थे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट चलो आगे बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली सॉट जी आई टैग फॉर पश्मीना शूल इज इट येलो सैफ्रॉन इज इट गुच्ची और इज इट वॉलट तो इनमें से कौन सा है तो इसमें से आपका है गुच्ची uh, uh, मशरूम्स ठीक है सो ये बेसिकली मशरूम्स होते हैं और इनको लोकल डायलेक्ट में या लोकल बोले तो इनको कहा जाता है आई होप आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट ठीक है ये मोस्टली आपके एसिडिक सॉइल में जो है उगते हैं ठीक है चलो आगे दिस क्वेश्चन वी कैन स्किप लेट्स गो ऑन दिस वन हाउ मेनी टोटल आइटम्स

विथ स्टेट विथ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इन इंडिया हैज रजिस्टर्ड हाइएस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर ठीक है इज इट हिमाचल प्रदेश इज इट अरुणाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब सो इसका आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर ठीक है और ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली हाईस्ट पेशेंट डिपार्टमेंट केयर यह जो रिपोर्ट है ये बेसिकली रिलीज होती है बाई नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा ठीक है सो एन एच एस आर सी रिलीज करते हैं ये वाली रिपोर्ट ठीक है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ दी इम्पेशन डिपार्टमेंट जो केयर है दैट इज इन रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो आपका पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ वन हंड्रेड सेवन सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर हाउ मेनी सीट्स रिमेन वेक इन दैट फॉल अंडर द पीओके तो इनमें से कितनी है इज इट फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और थर्टी टू द आंसर इज ट्वेंटी फोर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जो आपका पीओके में आता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज द हिमायत प्रोग्राम लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर एम्स एट वॉट इज इट एम्प्लॉयमेंट इज इट सेरिकल्चर ऑनलाइन एजुकेशन और इज इट द मेडिकल एक्सपेंसिस तो जो हिमायत प्रोग्राम है इट इट बेसिकली डील्स विद योर एम्प्लॉयमेंट ठीक है चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट हु आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ़ दिकॉज ऑफ इस कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द स्टेट इज इट मुफ्ती मोहम्मद सईद इज इट बख्शी गुलाम मोहम्मद मेहर चंद महाजन और महाराजा हरी सिंह तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद ठीक है इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर जो है वो कहा जाता है ठीक है और इन्होंने एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भी सर्व किया है फ्रॉम 1947 टू 1953 ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इज द डोमिनेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज व्हाट इज इट ट्यूबवेल इरिगेशन इज इट कैनाल इरिगेशन टैंक इरिगेशन और नन ऑफ दी अबव तो याद रखना अप्रॉक्सीमेटली जो आपका सिक्सटी जो कश्मीर एरिया है फोर्टी परसेंट ऑफ जम्मू एरिया जो है वो आपका केनाल इरिगेशन के द्वारा ही डोमिनेटेड है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड ऑन केरेवा लैंड्स इन द वैली ऑफ कश्मीर इज इट वीट मेज टोबैको और ऑयल सीड्स तो याद रखना जो केरेवा लैंड के ऊपर जो कल्टिवेटेड क्रॉप है दैट इज योर मेज ठीक है और ये कब आ, सो किया जाता है अगर हम इसको सो करने की बात करें तो अराउंड द मंथ ऑफ मे में होता है और अगर इसकी हार्वेस्टिंग की बात किया जाए सो अगस्त से लेके नवंबर के बीच में इसका Uh, जो है हार्वेस्टिंग किया जाता है राइट और अगर हम बात करें इसको किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए होता है मेज क्रॉप को तो इसको चाहिए होता है आपका uh, राइट ओके सो मेज राइट सो ये आपका मई के महीने में सो किया जाता है और हार्वेस्टिंग इसका अगस्त uh, से नवंबर के बीच में होता है वीट क्रॉप की अगर हम बात करें तो वीट क्रॉप जो है वो आपका एक रॉबी राबी क्रॉप है राइट right? सो so, ये कुछ पॉइंटस आप याद रखिएगा नेक्स्ट इज इलेवन एट विच प्लेस द नुब्रा रिवर मर्जेस विद द श्योक रिवर ठीक है सबसे पहले तो, तो ये दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरीज आपके इंदस की हैं सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है सो so, कहाँ पर यहाँ पे ये मर्ज होती हैं तो इज़ इट लुक ज्यूम इज़ इट फिरोज फिरोजपुर नाला इज इट जानसकार नाला और इज़ इट आमिर खान नाला तो याद रखना इट इज़ लू लुकजेम राइट जहाँ पर यह दोनों मर्ज होती है आई एम सॉरी मैं इसको सही तरीके से प्रनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक है so, सो ये चीज़ याद रखिएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट इज वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इन विच ईयर वुलर लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज इट नाइनटीन नाइनटी टू Is it 1993, 1991, or 1990? So, what is the answer? The answer is your 1990. So, 1990 में जो इसको वुलर लेक है उसको डेजिग्नेट किया गया था एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है ओके okay, अगर हम बात करें वुलर लेक के बारे में तो ये हमको पता है दैट वुलर लेक जो है वो आपका फ्रेश वाटर लेक है फर्स्ट पॉइंट और नंबर सेकंड पॉइंट ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ एशिया ठीक है और ये आपका हर मुख माउंटेन के फुट हिल्स के ऊपर लोकेटेड है ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज द दुमल इज़ अ फेमस डांस इन कश्मीर वैली परफॉर्म्ड बाई मेल्स बिलोंगिंग टू विच ट्राइब इज इट वातल ट्राइब इज इट पुरीग्पा ट्राइब इज इट गद्दी ट्राइब और इज इट द बकरवाल ट्राइब तो याद रखना इट इज़ द वातल ट्राइब ठीक है सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपके डांस ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर और ये जो डांस होता है इट इज़ परफॉर्म्ड बाई द मेल्स ठीक है चलो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कानी शॉल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो ये हमको पता ही है जो कानी के शॉल्स होते हैं वो बहुत आपके फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी शॉल्स होते हैं और वो कहां मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ही पाए जाते हैं एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आपके कश्मीर वैली का ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन परी महल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर वो वॉज़ बिल्ड बाय हु इज़ इट शाहजहान इज़ इट अकबर दारा शिखो और इज़ इट औरंगजेब तो याद रखना इट इज़ दारा शिखो ठीक है सो दारा शिखो जो है ही इज़ द मेन पर्सन जिन्होंने परी महल को जो है वो बनाया था एंड उस टाइम पे इट यूज़ टू सर्व एज अ लाइब्रेरी ठीक है तो ये लाइब्रेरी का काम करती थी एंड ऑब्जर्वेटरी हो गया यू नो फॉर मोस्टली इट वाज़ फॉर एजुकेशन इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता था ठीक है और आज के टाइम पर भी परी महल जो है वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है ऑफ जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर ऑफ कोर्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द रूलर जम्बू लोचन रूल्ड इन द डैश सेंचुरी इज इट नाइन्थ सेंचुरी एथ सेंचुरी टेंथ सेंचुरी और सेवेंथ सेंचुरी सो इसका आंसर है आपका नाइन्थ सेंचुरी ठीक है सो so, जम्बूलोचन के ऊपर ही बेसिकली जम्मू का नाम जम्बो पड़ा राइट और फिर आहिस्ता आहिता जम्बो से जम्मू हो गया ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर इज इट रॉफ इज इट

हु फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी कारकोटा डायनेस्टी किसने फाउंड किया था इज इट हर्षवर्धन इज इट दुर्लभ वर्धन इज इट योर ललित आदित्य मुक्ता पिदा और इज इट योर नन ऑफ दी अब तो इनमें से कौन है तो याद रखना इट वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धन राइट ठीक है अब जो कारकोटा डायनेस्टी है ये बेसिकली यू नो आपके एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ रिलेटेड है फाइन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन हाउ मेनी माउंटेन रेंजेस इज इट थ्री फोर फाइव और सिक्स सो वॉट इज द आंसर कितनी है सो इट इज योर सिक्स माउंटेन रेंजेस ठीक है जो है आपकी मैं आपको लिख 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 भी देती हूँ दैट इज जंसकार देन इट इज़ योर काराकोरम देन इट इज अमरनाथ देन इट इज तोश मैदान देन इट इज योर पीर पंजाल एंड योर शिवालिक्स ठीक है सो so ये इंपॉर्टेंट है सिक्स को याद रखिएगा ओके okay. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेहत स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू रुपीज हाउ मच थ्री लाख फाइव लाख सेवन लाख और एट लाख तो याद रखना अंडर ये वाला जो स्कीम है वो बेसिकली आपके कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए है और जो ये कवर करेगा दैट इज गोइंग टू बी सो इट इज फाइव लाख रुपीज ठीक है अप टू फाइव लाख रुपीज ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हाउ मेनी सीट्स विल बी प्रोवाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी विर इज इट सेवन इज इट सिक्स इज इट फाइव और इज इट फोर तो याद रखना हाउ मेनी आर देर तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है ओके ट्वेंटी टू च रीजन इज फेमस फॉर बासमती राइस इन जम्मू इज इट भलवाल इज इट बाहू इज इट अरनिया और इज इट आर एस पुरा सो इट इज योर आर एस पुरा के बासमती राइस ठीक है सो राइस की अगर हम बात करें तो राइस बेसिकली आपका एक खारिफ क्रॉप है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट राइट right? तो कौन सा है इज इट उधमपुर इज इट कठुआ इज इट बिश्ना और इज इट नन ऑफ अबव तो अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें सांभा के नॉर्थ साइड की बात करें सो दैट इज योर उधमपुर ठीक चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज विथ रेफरेंस टू अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज सिस्टम हु शैल बी द चीफ एग्जिकव ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी इज इट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज इ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इज इट डेप्यूटी कमिश्नर और इज इट नान ऑफ द अब तो इसका आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का सो so इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ठीक है और ये कब बना आपका दो हजार बीस में ही आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी ठीक चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वी कैन स्किप दिस लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ठीक है हल्का पंचायत हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विद सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन इथ इट सेक्शन टू सेक्शन फोर सिक्स और सेक्शन नंबर एट तो याद रखना इट इज सेक्शन नंबर फोर ठीक है सो हल्का पंचायत दैट इज सेक्शन नंबर फोर ठीक चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन गाइस मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए हम जितना हो सके सिर्फ आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे ठीक है इन जम्मू एंड कश्मीर एपीकल्चर इंडस्ट्री इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बी जिसका नाम है कारपेंटर बी येलो जैकेट एपिस मेलीफेरा और इज अर नन ऑफ दी अबव सो वॉट इज द आंसर सो याद रखना इट इज़ योर एल्पिस मेलीफ्लेरा ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू शिवालिक्स ग्रेट हिमालयाज शिवालिक्स एंड द लोअर स्लोप ऑफ द मिडल हिमालयाज और इज इट नन ऑफ द अबव तो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो so, वो आपका नीचे वाली साइड में होगा दैट इज योर शिवालिक्स एंड द लोअर स्लोप्स ऑफ द मिडल हिमालयाज ठीक वॉट इज द नेम गिवन टू ग्रासेस बिलोंगिंग टू द हाइर रीजन्स और द माउंटेन्स ठीक है इज इट पुश्ती इज इट सिरसा इज इट मर्कस और इज इट नान ऑफ द अब तो गाइज देखो अगर हम बात करें ना आपके ग्रासिस की मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रास हमको पता है इट इज मर्कस और मर्ग एम ई आर जी एम ए आर जी सो दीज आर बेसिकली ऑप्शन नंबर सिक्स दैट सी दैट इज मर्ग तभी गुल मर्ग है राइट right? सोना मर्ग है सो दो आर बेसिकली ग्रासलैंड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइंट सेक्टर कॉन्स्टीट्यूट्स वॉट परसेंटेज ऑफ द जी डी पी इज इट थर्टी फोर्टी फिफ्टी और सिक्सटी परसेंट तो याद रखना एग्रीकल्चर और एलाइड जो आपका सेक्टर है वो आपका ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द जी डी पी है ठीक है थर्टी क्वेश्चन हो गए हैं बट वी हैव स्किप्ड टू क्वेश्चन तो अभी हम उसको और आगे भी करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मेडो ऑफ फ्लावर्स इज इट गुलमर्ग इज इट अनंतनाग इज इट पशमीना और इज इट सोनमर्ग तो जैसे हमने पीछे पढ़ा मर्ग मर्ग दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रासलैंड तो इसमें से कौन सा है तो इट इज गुल मर्ग ठीक है इसका मतलब ही गुल का मतलब होता ही फ्लावर्स है ठीक है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है इट इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस फाइन चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द तहसील्स ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज इट दोरू लर्नू इज इट सेलर तो आपने बताना है कौन कौन से ए और बी हैं बी या सी है या ए और सी है या फिर सबके सब हैं ठीक है सो याद रखना इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव राइट सो बेसिकली ट्वेल्व है आपके ठीक है टोटल नंबर ऑफ तहसील्स जो आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं बारह हैं और इस बार आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था पिछले वाले एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो याद रखना अनंतनाग में कितनी तहसील है आपकी बारह हैं और ये तीन तो उसमें हैं ही हैं ठीक है, है? कोकरनाग है काजी गुंड है फिर आपका शाबाद बाला है राइट और भी बहुत हैं ऑब्वियसली बारह हैं बट ये तीनों की तीनों उसमें इंक्लूडेड है ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग

ठीक है, ओके सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा इसका बेसिकली आंसर होगा बाहू फोर्ट ऑब्वियसली अलॉन्ग साइड तवी रिवर है और महाराजा रंजीत सिंह की बात है इट इज योर बाहू फोर्ट ठीक है ठीक है अब देखो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं आपको बोल दूं कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना रेन्यूवेटेड पूछ रहे हैं राइट किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था वो नहीं पूछ रहे हैं अगर कंस्ट्रक्शन आता तो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था बाय योर राजा बहुलोचन ठीक है ठीक है जो ब्रदर थे जंबुलोचन के जो हमने पीछे किया क्वेश्चन राइट लेकिन यहां पे रेन्यूवेशन लिखा है दैट इज महाराजा रंजीत सिंह ठीक है और कौन सा है अलोंग साइड तवी रिवर सो इट इज बहु फोर्ट ठीक है और यहां पे एक टेम्पल भी है जिसको हम बाबे वाली माता बोलते हैं राइट right? बहुत मान्यता है इस टेम्पल की डेडिकेटेड टू गॉडेस काली ठीक है सो थैंक यू गाइस एंड अ नाइस डे आज के लिए हमारे थर्टी क्वेश्चन हो गए हैं कल ठीक इसी टाइम पे हम बाकी के थर्टी क्वेश्चन कवर करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कि हमको Uh, जितना हो सके उतना हमारा जीएस जो है हमको स्ट्रॉन्ग करना है और अभी जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है जैसे आज आपका जे के स्पेसिफिक था कल भी हम जे के स्पेसिफिक ही करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है एक दो दिन बाद हर एक टॉपिक स्पेसिफिक हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सो थैंक यू हैव अ नाइस डे